हाय गाइस, इस वीडियो में आई टॉक अबाउट व्हाट इज मॉड्यूलेशन, कैसे की जाती है और किस किस टाइप की होती है। तो मॉड्यूलेशन कई तरीकों से की जा सकती है, जिनमें से तीन फेमस है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको एएम भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम, एंड फेज मॉड्यूलेशन पीएम। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, एक कैरियर वेव होती है। ठीक है, दिस इज अ कैरियर वेव। इसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस कुछ फाइव। ठीक है, तो तीन पार्ट है। एक इसका ये एम्पलीट्यूड है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ दिस इज योर फेज। ठीक है, वैसे इस पूरे को फेज बोलते हैं, बट इनिशियल फेज ही है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, आप अपने मैसेज सिग्नल को, मैसेज क्या होता है, कुछ भी इस टाइप का, ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये मैसेज सिग्नल है, इसको आप यहाँ ऐड कर दोगे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मीन्स आपने सिग्नल को कहाँ ऐड कर दिया, करियर वेव के एम्पलीट्यूड में। ठीक है, अगर आप इस सिग्नल को आप यहाँ ऐड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर आप ये जो सिग्नल है, ये जो मैसेज है आपका, इसको आप यहाँ ऐड करते हैं फेज के साथ, तो फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, जस्ट ये बता रहा है कि आपने सिग्नल को कहाँ ऐड किया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड में तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी के साथ करियर की तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर फेज के साथ करियर वेव की तो फेज मॉड्यूलेशन। ओके, अब हम जो मॉड्यूलेशन डिटेल में पढ़ेंगे वो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ करियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी या फिर कोई भी सिग्नल, बेसिकली सिग्नल आपको दें, इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ करियर वे रिमेन अनचेंज, क्योंकि आपने सिग्नल को सीधे सीधे यहाँ चिपका दिया, तो आपने फ्रिक्वेंसी को तो बदला ही नहीं। ठीक है, तो वी विल स्टडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाउ। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा, अब हम उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, और जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसको बोल रहे हैं करियर मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम करियर वेव का एम्पलीट्यूड, और इसी के साथ हमने अपना मैसेज चिपका दिया साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, और खत्म। और यहाँ साइन ओमेगा सी टी तो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, ये तो पहले भी था, आपने एम्पलीट्यूड ऑफ करियर के साथ मैसेज को लगा दिया, तो ये कहलाया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और थोड़ा सा मैथ्स लगा के जैसे इसको ओपन किया, आपको मिलता है ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ओके, और ये बन जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब क्या है, हमने ये जो एक्सप्रेशन आया इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया, जो कि 2 साइन ए साइन बी है, जिसकी वैल्यू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाती है। तो ध्यान से देखें, ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, और अभी जस्ट एक छोटी सी टर्म और डिफाइन कर रहे हैं म्यू, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज बाय एम्पलीट्यूड ऑफ करियर। ठीक है, तो अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज चाहिए हो तो म्यू इंटू ए सी लिख सकते हैं, यहाँ हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो म्यू ए सी बाय 2। इसका क्या बन गया, इसका बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी करियर माइनस सिग्नल टी माइनस म्यू ए सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ करियर प्लस मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये आ गया।
यहाँ आपको अब तीन फ्रीक्वेंसीज मिल गई। तो जो आपका आउटपुट आ रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, उसमें तीन फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा सी, एक इन दोनों का डिफरेंस और एक दोनों का सम, ठीक है। और जो हमने म्यू डिफाइन किया उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो आप बोलेंगे ए सी प्लस ए एम। एंड व्हाट इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, आप बोलेंगे ए सी माइनस ए एम। और अगर आपसे कोई बोले कि ए मैक्स माइनस ए मिन ओवर ए मैक्स प्लस ए मिन की वैल्यू, तो अगर आप ध्यान से करें तो ये 2 AM/2 AC आ जाता है। और ये तो क्या है, ये तो वापस से आपने जो डेफिनेशन म्यू की ली थी वही है। और इससे ये भी पता लगता है म्यू इज लेस देन 1, ठीक है। एक टर्म इसके साथ जोड़ी जाती है कि म्यू इज लेस देन 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए म्यू की वैल्यू 1 से छोटी ही है, ओके। अब वो बातें जो अभी हमने इक्वेशन फॉर्म में देखी, ये है एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव जिसका एम्पलीट्यूड है ई सी या ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ई बेसिकली ई एम एफ या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, तो जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वोल्टेजेस के ही होते हैं। और ये है एक आपका मैसेज सिग्नल और सिग्नल विच इज टू बी मॉड्यूलेटेड, ठीक है, विच इज टू बी मॉड्यूलेटेड। और यह है मॉड्यूलेटेड वेव, आपने इसको इसके साथ एम्पलीट्यूड में चिपका दिया। ध्यान से देखें, ये बन गया है मॉड्यूलेशन वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर प्लस म्यू टाइम्स ए सी, ये सिंबल्स अलग यूज किए हैं बस यहाँ, ठीक है। और ये म्यू है, ये ए सी है, तो म्यू ए सी क्या था, म्यू ए सी वॉज नथिंग बट ए एम इंटू साइन ओमेगा एम टी। और ध्यान से देखें तो ये जो है ये मैक्सिमम सिग्नल है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, ई सी प्लस ई एम, और मिनिमम की वैल्यू है ई सी माइनस ई एम। तो इस ग्राफ में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है आपको दिख रहा है, मैक्सिमम क्या है, ए सी प्लस ए एम, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव है वो इन दोनों का डिफरेंस, ये था ए सी, ये था ई एम या ए एम, इनका डिफरेंस इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटेड वेव, ओके। अब आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो ये है, आपको तीन फ्रीक्वेंसीज मिली, एक का एम्पलीट्यूड था, इनफैक्ट दो का एम्पलीट्यूड था सेम, जिसकी वैल्यू थी म्यू ए सी बाई टू, ठीक है, म्यू ए सी बाई टू, और एक का एम्पलीट्यूड था ए सी, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसीज मिली, तो इस ग्राफ से आप सारी चीजें निकाल सकते हो कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, मैसेज वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक ऐसे करके हमने ग्राफ ड्रॉ किया, आपको तीन चीजें मिली, यहाँ है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, ठीक है। लेट से ये मिली 900 और 950 एंड 1000 हर्ट्स, और यहाँ मिला आपको हाउ मच, लेट से 6 वोल्ट, और ये मिला, वैसे मिली वोल्ट वगैरह में होते हैं मगर ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, 10 वोल्ट, ठीक है। हाँ, तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स और व्हाट इज बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं, ये 6 आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर समझ में आना चाहिए, मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर है 950 हर्ट्स, और ये ओमेगा सी या फ्रीक्वेंसी का सम है और ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल भी समझ में आ रही है 50, 950 से 50 ज़्यादा 50 कम, तो मैसेज जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, उसको हमने 950 के ऊपर चढ़ा दिया था। अब ये होता है 10 वोल्ट इज नथिंग बट ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव,
ये है एम बाई टू, एम बाई टू इज 6, ठीक है। इसको आप म्यू ए सी भी बोल सकते हैं। तो अगर म्यू की वैल्यू निकाले तो म्यू होता है ए एम बाय ए सी, म्यू की वैल्यू आ रही है कितनी, 12। हाँ ये हमने थोड़ी वैल्यू थोड़ी सी गलत ले ली, 4 ले लेंगे तो म्यू की वैल्यू भी हमारी ढंग की आने लग जाएगी। तो 4 लिया और म्यू की वैल्यू आ गई 0.8। तो ये एक अच्छा म्यू है। अगर म्यू 1 से बड़ा होगा तो डिस्टॉर्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू भी आ गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जस्ट इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये अब हम देखते हैं पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये पूरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमारे पास पावर होती है, एवरेज पावर की अगर बात करें तो वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सो दैट इज द एवरेज पावर। और इसका अगर आर एम एस निकालें तो ये होगा ए सी बाई रूट टू। तो यहाँ आ जाएगी ए सी बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बाय रूट टू आर, और रूट टू का स्क्वायर किया तो जाएगी ए सी स्क्वायर बाय टू आर, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पार्ट की अगर पावर निकालें तो ये हो जाएगा म्यू ए सी बाय टू रूट टू का स्क्वायर बाय इंटू आर इंटू टू, क्यों, इसकी भी हमने ऐड कर दी। ये पावर कहलाती है पावर ऑफ साइड बैंड्स, ये पावर कहलाती है पावर ऑफ साइड बैंड्स, और ये पावर कहलाती है पावर ऑफ कैरियर। और अगर आपको बाई चांस कभी टोटल पावर चाहिए, पहले साइड बैंड्स निकाल लेते हैं। साइड बैंड्स आ रहा है म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर और इंटू 1/r है, सॉरी 1/r। इसको सॉल्व किया तो दिस विल कम आउट टू बी 8/10^4, ठीक है। ये 2√2 8 बन जाएगा और ये इसका स्क्वायर 8 × 2 = 4। सो पावर ऑफ साइड बैंड सी हो गई, पावर ऑफ कैरियर वेव ये हो गई, पावर ऑफ कैरियर कितनी ए सी स्क्वायर बाय 2r। तो अगर हम टोटल पावर देखें, टोटल पावर तो दैट इज पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड्स, ए सी स्क्वायर बाय 2r कॉमन आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय 2r कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 + म्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इस तरीके से कई बार वो फ्रैक्शनल पावर वगैरह भी मांग लेता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ पावर ऑफ कैरियर बाय टोटल पावर चाहिए हो तो ये कितनी आने वाली है, ये आने वाली है 1/1 + म्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ऐसे ही पावर, फ्रैक्शनल पावर ऑफ साइड बैंड्स भी निकाली जा सकती है। ओके एंजॉय।